नशियां दी लपेट विच कदी सोच के वेख्या किधर नूं साडा समाज जा रहा है। ये सानू अपने घर आप बचाने पैने ने, सरकारां ते निर्भर होया सरना नहीं, सानू अपने घर की राखी खुद आप करनी पैनी है। भाई गुरदास जी का बहुत प्यारा वाक है, बेड़ा डूबे पातनी कौन पार उतारा, जे मलाह ही बेड़ी नूं डोबण लई तैयार हो जाए दसो उस बेड़ी च बैठे जातरों नूं पार लंघाएगा कौन, मां पुत्ते विस दे कौन रखणहारा, बच्चा बच्चे नूं गवांढी डांटेगा ते मां प्यार करेगी, जिथे मां ही बच्चे नूं जहर दे देवे दसो जी बच्चे नूं बचाउण दी आस कित्थों लाओगे तुसीं, जिथे बच्चे नूं मां ही जहर। एक पहरेदार ने घर दी राखी करनी है, घर मूसे बाहरू आ कहो कैसे राखी है, ते पहरेदारी घर लुट लवे, जिहड़ा पहरे ते खलोता होवे जिहने घर दी राखी करनी होवे ओही घर नूं सन ला लवे, दसो घर की आस कितों लाओगे, त्याज मारो ते हम च गिरदे, सानू अपना राखा आप बन, अपना राखा एक हमारा, सारे बोलो राखा एक हमारा स्वामी, सानू अपनी राखी खुद आप करनी पैनी है। चिखा बलदी दे लागे खडूर साहब पिता ने धा मारी, पता की आख्या, लोको मेरे घर नूं अग लगी है, मैं नहीं चाहुंदा किसी होर दे घर नूं अग लगे, ते मैनूं उदण पता लगा जदों तक अग विच मेरा घर सड़न लई तैयार हो गया सी। कई वारी ना बच्चे ऐसे नशे करदे आ, मां कोई आण के गवांढी नूं दसे ना तुहाडा पुत नशा करदा है, कोई बाप नूं दसे, उदों मां बाप कहिंदे साडे बच्चे नूं बदनाम करदे गवांढी, पर जदों तक मां बाप नूं पता लगा उदों तक बहुत देर हो चुकी सी, बहुत समां लंघ चुका सी। ग्रंथी ने चिखा बाल्टी दे लागे खलो के कहा, कहिंदा दुनिया दे लोको अपने पुत बचा लो, अपने घर तुहानू खुद बचाउणे पैणे ने, अपने घर दी राखी तुहानू खुद आप करनी पैणी है। यह जीवन बार बार नहीं मिलता, यह जीवन अमोलक है। इस नशियां दी दलदल चों, इस मनमत विचों अपने आप नूं बाहर कढ़न दी कोशिश करो। गुरु साहब जी ने जीवन बख्शिश किया उस अकाल पुरख ने, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, सारे बोलो गोबिंद मिलन की, इस शरीर मिले है, इनू नशियां तो रह तो के सोना समाज सिरजन की कोशिश करिए। अज चारे बन्ने अग लगी पई है, इस अग चो असी किवें अपने आप नूं बचाउणा है। अज साडे पुत्रां दे आनंद कारज नशे तो बिना नहीं हुंदे, असी अपने धियां दे आनंद कारज करदे हां उत्थे नशा, पुत्र दा आनंद कारज तां नशा, नवा घर बनाया उहदा मुहूर्त कीता तां नशा, असी पुत्र दा आनंद कारज करदे हां उत्थे भी नशा, धी दा आनंद कारज हुंदा उत्थे भी नशा, कोई बंदा अपनी कोठी बनाउंदा उत्थे नशा, कोई खुशी दा फंक्शन करदा है ते उत्थे नशा, नाल पाठ भी करवाउंदे आ, नाल पाठ भी हुंदा, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा पाठ भी करा देना, अरदास भी हो जानी है, कीर्तन पाठ भी होएगा, अरदासां भी होणगियां, जाने कि असीं सलाम भी करदे हां, बोलो जी जवाब भी दे देने। गुरु अंगद साहिब जी कहिंदे ने सलाम जवाब दोवें करे मुंडों कुत्था जाए, धर्मी होण दा विखावा करदा भी मेरे वर्गा इशनानी कोई नहीं, इत्थे नहाउण दा अर्थ आड़ा घरां च इशनान करदे उहदी गल नहीं हो रही, जिहड़े लोक धार्मिक स्थानां ते जाके चुभियां मार के ये कहिंदे ने साडे नाल दा धर्मी कोई नहीं, गल उहनां दी हो रही है। जिहड़े लोक स्पैशल दिन चुणदे ने, अज मैं मस्या कर इशनान करन चलिआं, अज मैं पूर्णमासी दा इशनान करन चलिआं, अज मैं संगरांद दा इशनान करन चलिआं, उह जिन्ना बाहरों नहाई जांदे ने उन्ने मन दी मैल वधदी जांदी। तीरथ बरत अरदान कर मन मैं तरे गुमान, नानक ने फुल जात ते, पढ़ो जिन्हां नूं बाणी आउंदी है, ज्यों कुंचर तीर्थ भी कर लै वर्त भी रख लै, लोकां च धर्मी होण दा विखावा भी कर लिया, तीर्थ बरत अरदान कर मन मैं तरे गुमान, नानक ने फुल जात ते, सारे पढ़ो जिन्हां नूं बाणी आउंदी है, ज्यों कुंचर हाथी नहाउंदा बड़ियां रीझां नाल, पर नहाउण तों बाद अपनी सुण चिकड़ भर के मुड़ के अपने सिर च आपे पा लैंदा,
तो पाशा जी कहते ने अंतर मैल लोभ बहुत झूठे बाहर नावो काही जियो। अंदर मैल है कादी लालच दी, जिन्ना लालच वादा गया उन्नी मैल। बोलो सारे सारे उच्ची बोलो जी, उन्नी मैल। जिन्ना लालच घटता जाएगा उन्नी मैल। दसो भला जी, हर बंदे नूं अपने बारे पता हैगा ना मेरे च लालच हैगा कि नहीं हैगा जी? क्यों सास ने जी उच्ची बोल के दसो जी, पता हुंदा कि नहीं पता हुंदा जी? किसे बारे भावे ना पता हो, अपने बारे पता हुंदा कि नहीं हुंदा जी? बस समझ लो, जे लालच हैगा तो फिर मैल भी हैगी। अच्छा दूजी गल, उस लालच नूं छुपाउण वास्ते झूठ भी बंदा बोलदा है ना। कदी मन्निया कि मैं लालची नहीं हैगा? क्यों सास संगत जी? गुरु के प्यारे हो, कथा नाल नाल तुहानू तरनी भी पैनी है तो सुननी भी पैनी है, आपां रल के विचारां करनियां ने। तुसीं हाजरी भरोगे तो तां गल बननी है। ज्यों ज्यों गुरु की विचार जीवन दे विच आएगी, ज्यों ज्यों गुरु का मैं बेनती की तुसीं जे पिछे एक वीर सेवादार खड़ा हो जाओ जी तो वधिया हो जाएगा। जी संगत होने आ रही उन्होंने जिथे जगह मिलती बिठा दो, ताकि ध्यान उखड़ता। मैं नोट कर रहा बदो बदी साडा ध्यान जाता है, कौन नमस्कार कर रहा, कौन आ रहा, कौन जा रहा है। आपां एक बार नमस्कार करा जो छे पौड़ियां नानक साहब दियां पढ़ांगे, तो मेरी बेनती है जी आप स्वीकार कर लेंगे तो चंगी गल है। जो मैं थोड़ा ध्यान शब्द भी जोड़ना चाहना, बदो बदी साडा ध्यान पासे उखड़ता है। जिन्हां पिंडां विच लगातार दीवान लगते हैं उत्थे कहण दी लोड़ नहीं पैंदी, जिथे कदी कदी दीवान लगते उत्थे कहना पैंदा है। तुहाडे विचों कहिहड़े स्कूल दे टीचर होणगे उहनूं पता होएगा, जो स्कूल विच विद्यार्थी पढ़दे आ उदों एक वारी आण के बहि के फिर ध्यान नाल सुणना है, क्योंकि इह गुरु दा स्कूल है। इत्थों दे साडे प्रिंसीपल अध्यापक टीचर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जे आपीं ऐ टका के मन सुणांगे ना फिर गल समझ आउणी है। ताइयों अज साडी प्राप्ति क्यों नहीं है, क्योंकि असीं गुरुद्वारे चाहते हैं, दवान लगते ने, पाठ हों खाली दे खाली, क्योंकि असी ध्यान ना कभी गुरु की गल सुन का यतन नहीं किया।